आपके बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तब आप क्या कहते हैं ओह हम सब क्या कहते हैं जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट क्यों कहते हैं क्या ऑल द बेस्ट कहने से उनका परफॉर्मेंस सच में बहुत अच्छा फैंटास्टिक होगा जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरा नाम है निकुंज कुमारी ब्रह्मभट मैं हीलिंग एंड लॉ ऑफ एट्रेक्शन कोच हूँ और आज के बच्चे कल का भविष्य है और बच्चे कल उनके भविष्य में परफेक्ट पर्सन बने राइट पर्सन बने उसके लिए मैंने एक मिशन स्टार्ट किया है मैं बच्चों के साथ बच्चों के लिए कुछ गुड हैबिट को लेके कुछ गुड एक्टिविटी को लेके सेशन चला रही हूँ सो so, सबसे पहले आज सुबह में मेरी बेटी की एग्जाम चल रही है वो स्कूल जा रही थी तो उन्होंने बोला कि मम्मा सभी बच्चे बस में बैठते हैं तब उनके पेरेंट्स उनको ऑल द बेस्ट बोलते हैं आप मुझे क्यों नहीं बोलते ओ माई गॉड दिस इज द टू मच आई ओपनिंग क्वेश्चन टू मी कि राइट right, बच्चे ही हमको क्लू देते हैं कि मम्मा ये आप क्यों नहीं बोलते हम ऑल द बेस्ट क्यों बोलते हैं जनरली क्या हमारे ऑल द बेस्ट कहने से उनका परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा हो जाएगा उन्होंने जो प्रिपरेशन की है वही लिखने वाले हैं लेकिन उल्टा हम ऑल द बेस्ट कहेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा ऑल द बेस्ट कहना ही उनको वो इंडिकेशन देता है कि तुम कंपटीशन में जा रहे हो और तुम्हें जीत के आना है सो फॉर दैट ऑल द बेस्ट कि तुम कोई जंग लड़ने जा रही हो और जा रहे हो तो उसके लिए ऑल द बेस्ट ओ माई गॉड कॉम्पिटिशन तो ऑल द बेस्ट से शुरू होती है ना <laughs> और उनसे उनका परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं बनता उनके मन में प्रेशर रहता है कि मम्मा ने पापा ने ऑल द बेस्ट बोला है तो मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना होना तब उनको अंदर ही अंदर डर रहता है उनको रिजल्ट के टाइम में भी फेयर रहता है कि सबने तो मन में ऑल ऑल द बेस्ट बोला था फिर भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए बच्चे वहां तो डिप्रेशन फील करते हैं उसके बदले अगर हम उनको बोले कॉन्ग्रेचुलेन बेटा तुम स्कूल में एग्जाम के लिए अपियर होने जा रहे हो कॉन्ग्रेचुलेन एंजॉय योर योर एग्जाम 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 एंजॉय जर्नी ऑफ ये दोबारा नहीं आने वाली हो सकता है यही क्लास की दूसरी एग्जाम आए बट ये एग्जाम ये डेट दोबारा नहीं आएगी जितना एंजॉय करना है ना उतना एंजॉय कर लो जैसे हम घूमने जाते हैं पहाड़ियों में या कहीं भी वैकेशन में तो तुम कैसे एंजॉय करते हो अपना पूरा हंड्रेड परसेंट लगा देती हो ना एंजॉय करने के लिए वैसे ही एग्जाम में भी जितना आए नहीं आए जो आए जो नहीं आए बस पूरा एंजॉय करो एग्जाम को हर क्वेश्चन को एंजॉय करो उसके मजे लो आपको क्या लगता है बच्चों को अगर हम बोल देंगे ना कि ये एंजॉयमेंट है तो उनका परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगा उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं कंपटीशन का हिस्सा हूं और हम कितने लोग मानते हैं कि हम फ्लुएंटली और ऐसे विदाउट पैसा कोई काम करते हैं ना तो और बेस्ट होता है इसीलिए उनका परफॉर्मेंस भी और बेस्ट होगा जब आप कहोगे कि कांग्रेचुलेशन उनको लगे वाओ wow, मेरे पास कुछ नई चीज आ रही है तुम एंजॉय कर तुमको तुम एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो वाह wow, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको लगेगा कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है और जो हासिल किया है उसको बरकरार रखने के लिए वो पूरा मेहनत करेंगे और उसको एंजॉय करेंगे एक एक एग्जाम में एंजॉय नहीं किया तो दूसरी बार वो ज्यादा मेहनत करेंगे एंजॉय करने के लिए नहीं कि कंपटीशन में फर्स्ट रैंक लाने के लिए सो प्लीज पेरेंट्स चेंज योर सेंटेंस कहना तो है कुछ बट ऐसे कहना है कि जो उसको मोटिवेट करे नहीं कि उसको कंपटीशन में धक्का मारे और खुद ही खुद अंदर ही अंदर डिप्रेशन में घुस जाए क्योंकि एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए दूसरे में तीसरे में, तीसरे में में चौथे में तो उनके मन में हो जाएगा अच्छा परफॉर्म नहीं करता अरे भाई तू तो एंजॉय कर तू तो फेल होता है पास होता है कुछ भी कर पर एंजॉय कर एग्जाम को एंजॉय कर मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं उनको एग्जाम के बाद ये पूछती हूँ मजा आया था मैं उनको कभी नहीं पूछती कि पेपर कैसा गया सो प्लीज Change your sentence and give them motivation. So please support me. कि बच्चों को मैं अभी से मैं सोच रही हूँ उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि कल वो परफेक्ट डिसीजन ले राइट right डिसीजन ले और अपनी लाइफ में कभी कंफ्यूजन में ना रहे और कोई भी मतलब कोई भी चीजों को देखे देख के वो फॉलो ना कर ले उनके अंदर वो क्लियर रहे सो थैंक यू सो मच अगर आप चाहते हैं कि मेरा वर्कशॉप आपके बच्चे अटेंड करें तो डेली शाम के सात बजे होता है मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी क्लियर बने अपनी लाइफ में सो प्लीज कॉन्टेक्ट मी थैंक यू सो मच सो आज से कभी भी उनको मत बोलना ऑल द बेस्ट उनको बोलना कॉन्ग्रेचुलेशन एंजॉय योर एग्जाम सो देखना उनका परफॉर्मेंस फैंटास्टिक नहीं फेब्युलस हो जाएगा So love you, love you so much, all of you.